नमस्कार प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है और आज की क्लास आपके लिए होने वाली है रामबाण, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा स्पोर्ट्स के बिना संभव नहीं हो सकती है। तो स्पोर्ट्स के पर्संस और उनके टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लाइक शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा, जब तक है जान आपके लिए लगेंगे और आपको सिलेक्शन तक लेकर जाने का पूर्ण प्रतिबद्ध प्रतिज्ञा परिवार ने ले रखा है, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल सेशन, जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, रग्बी, क्रिकेट। तो ध्यान दीजिएगा, स्टॉपर शब्द फुटबॉल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। फुटबॉल से संबंधित खेल कप का नाम पूछ ले, फीफा कोपा किससे संबंधित है? आपके फुटबॉल से संबंधित है। और जो है आपके पास फुटबॉल, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई देश ने जो वर्ल्ड कप जीते हैं तो वो कौन सा देश है? उस देश का नाम क्या बच्चा लोग? उस देश का नाम है ब्राजील। डबल फोल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर, कबड्डी। तो ध्यान रख लेना, जो डबल फोल्ड है वो टेनिस के लिए काम में लिया जाता है। रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स, वो सभी किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। हमारे यहाँ पर सानिया मिर्जा भी किससे संबंधित है? टेनिस से। रोहन बोपन्ना का संबंध भी कौन से खेल से है? टेनिस से। लिएंडर पेस का संबंध, महेश भूपति का संबंध किससे है? टेनिस से। चलिए, टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के लिए होता है? साइकिलिंग, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग। तो साइकिलिंग के लिए आपके पास टाइम ट्रायल शब्द काम में लिया जाता है, इस बात को याद रख लेना। बर्डी, ईगल, अल्बाट्रॉस शब्द किसके लिए काम में लिए जाते हैं? तो बर्डी हो, ईगल हो या अल्बाट्रॉस हो, गोल्फ के लिए काम में लिए जाते हैं बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किससे खेल से संबंधित है? तो याद रख लेना, ये चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, इस बात को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चलिए, ग्रैंड स्लैम शब्द किससे जुड़ा है? फुटबॉल, बॉक्सिंग, खो खो या टेनिस। तो टेनिस से जुड़ा हुआ है ग्रैंड स्लैम, इस बात को याद रख लेना। चलिए, ड्यूस शब्द किससे जुड़ा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो ड्यूस का संबंध किससे है? आपके पास टेनिस से है। ग्रास कोर्ट भी किसमें होता है? टेनिस के अंदर होता है, इस बात को याद रख लेना। चुक्कर या चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? चक्कर बोलते हैं जिसको, ये पोलो से रिलेटेड है, इस बात को याद रख लेना, पोलो से रिलेटेड है चक्कर। नो बॉल शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो नो बॉल कहाँ पर होती है ना, दूसरा बोलो, नो बॉल बोलो कहाँ पर होती है क्रिकेट में, वाइड बॉल कहाँ होती है क्रिकेट के अंदर, याद रख लेना। और क्रिकेट के भगवान किसको कहा गया है? सचिन, रमेश तेंदुलकर को। चलिए, डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, याद रख लेना। डंक बॉल का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है बच्चा लोग। अगला सवाल है, आप 16 यार्ड हिट शब्द का निम्नलिखित में से किससे खेल से जुड़ा हुआ है? 16 यार्ड हिट जो है, 16 यार्ड जो बोलते हैं, ये आपके पास फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी जिसको किसको कहा गया है? हॉकी को कहा गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद अंकल है, इस बात को याद रख लेना। चलिए, अगला सवाल जो है, चेकमेट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? चेस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। जी हाँ साथियों, जो है चेकमेट, ये दो शब्द काम में लिए जाते हैं चेस में। चेस को बोलते हैं शतरंज, और शतरंज के बारे में याद रख लेना, हमारे यहाँ पर एक खिलाड़ी हुए जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद, याद रख लोगे ना, लिखने की जरूरत कहाँ है यार, ये तो सुपरफास्ट सीरीज है, विश्वनाथन आनंद है, और ध्यान रख लेना ये बात। पीवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ना? पीवोटिंग, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। जल्दी से आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स को राफेल बना दो, उड़ा दो पाकिस्तान के ऊपर, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो भैया अपन लोग क्या बात कर रहे थे इसके बारे में, तो पीवोटिंग शब्द जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को याद रख लेना। चलिए, अगला सवाल आता है, बैकस्टिक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल में प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। कमेंट बहुत धीरे आ रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स को थोड़ा तेज करो, जल्दी से आंसर कीजिएगा। हॉकी से रिलेटेड है बैकस्टिक, इंपॉर्टेंट है। 16 यार्ड का संबंध भी किससे है? हॉकी से है। धनराज पिल्ले का संबंध भी किससे है? हॉकी से। रानी रामपाल किसकी खिलाड़ी है? हॉकी की। ये सब याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया जी, आपसे पूछ लेंगे इस बार। जो है हमारे पास, जो इस बार गोलकीपर कौन थे भाई, बताओ जल्दी से, आधे लोगों को पता ही नहीं है। लो,
जिन्होंने संन्यास ले लिया, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल को शुरू में पूना के नाम से जाना जाता था? जल्दी से आंसर कीजिएगा, किस खेल को पूना के नाम से जाना जाता था? तो इसका खेल का नाम है बैडमिंटन। क्या नाम है बेटा? बैडमिंटन, जिसको सामान्य भाषा में अपन चिड़ी बल्ला कहते हैं, ये याद रख लेना। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? चिड़ी बल्ले। डायरेक्ट फ्री किक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी? तो याद रख लेना, फुटबॉल से संबंधित है डायरेक्ट फ्री किक। तो ध्यान रख लेना, डायरेक्ट फ्री किक का संबंध किससे है? फुटबॉल से। निम्नलिखित में से किस खेल में वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? देखिएगा, स्क्रीन तकनीक का प्रयोग एक खेल है जिसका नाम है बास्केटबॉल। जी हाँ साथियों, बास्केटबॉल के अंदर काम में लिया जाता है। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। क्रिकेट का जन्म कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। लगान फिल्म से नहीं हुआ, इंग्लैंड से हुआ, ध्यान रख लेना, ठीक है। डबल फोल्ड शब्दावली किस खेल से संबंधित है? चेस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी? तो डबल फोल्ड का संबंध बैडमिंटन से है, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है। 6:30 बजे अभी हमारी मैराथन क्लास भी शुरू होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? सर्विस ब्रेक है ना, सर्विस ब्रेक, बॉल सेट, वॉली। तो देखिएगा भाई, चिंटू बात है, टेनिस में कभी गोल होता है क्या? गोल होगा फुटबॉल में, गोल कहाँ होगा? फुटबॉल में गोल होगा आपके पास, हॉकी में, पर यहाँ पर कोई गोल वोल का कोई लेना कोई देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? मैडन, LBW, स्लैम डंक या यॉर्कर? भैया यॉर्कर फेंकता है बुमराह, पर स्लैम डंक कुछ नहीं होता। उत्तर क्या हो जाएगा? स्लैम डंक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद हॉकी? स्कूप, फ्लिक, हिट, रनआउट। तो रनआउट इज नॉट रिलेटेड टू हॉकी, रनआउट इज रिलेटेड टू क्रिकेट, याद रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लोना शब्द किसके लिए यूज होता है? टर्म लोना किसके लिए यूज होगी? कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, सॉफ्ट बॉल। तो देखिएगा भाई, भारत के अंदर है ना बिल्कुल जोरदार हमारे यहाँ पर कबड्डी शो होता है, और कबड्डी जो होता है इसके अंदर काम में लिया जाता है लोना। Which of the following term not related with cricket? Googly, full toss, short pitch, striking cycle. तो देख लीजिएगा, short pitch बोलो पे छक्के लगाते लोग, तो ध्यान रख लेना, striking circle, striking circle is not related to cricket, याद रख लेना। हड़ताली गिरा, ये हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। Fine leg, गली, mid wicket किससे संबंधित है भाई? भारत वालों को क्रिकेट का सवाल देते नहीं, राज्य हो जाते कि भाई वाह मजा आ गया, क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ आप टीम केरल ब्लास्टर को संबद्ध करेंगे, है ना? तो किस जो खेल से केरल ब्लास्टर रिलेटेड है? फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट। तो याद रख लेना, फुटबॉल जो खेल है जिससे संबंधित है केरल ब्लास्टर, और केरल ब्लास्टर के अलावा मोहन बगान का संबंध भी किससे है? फुटबॉल से। बार्सिलोना का संबंध भी किससे है? फुटबॉल से, याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। यदि आप लोगों ने देखा होगा हेडर लगाते हुए है ना, जबरदस्त तरीके से सीधा गोल, तो हेडर किससे संबंधित है भाई साहब? फुटबॉल से। हॉकी में तो करने से रहे हेडर कर दिया तो माथा फूट जाएगा, है ना। द टर्म अल्बाट्रॉस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? अल्बाट्रॉस शब्द किसके लिए काम में लेते हैं? गोल्फ, पोलो, फेंसिंग, रग्बी। तो याद रख लेना, गोल्फ से संबंधित है अल्बाट्रॉस, याद रख लेना। और इसके बड़े खिलाड़ी हुए हैं टाइगर वुड्स, भारत में हुए जीव मिल्खा सिंह। निम्नलिखित में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? सेक हैंड ग्रिप किसके अंदर यूज होगी भाई? टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश। तो याद रख लेना, टेबल टेनिस में काम में लेंगे। शरद कमल किसके खिलाड़ी है? टेबल टेनिस के। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। किस खेल में तीरों का प्रयोग किया जाता है ना? फेंसिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी। तो याद रख लेना, तीरों का प्रयोग, सीधा तीर लगाती है, और वो कौन लगाती है? दीपिका कुमारी, याद रख लेना। इसके खिलाड़ी भी शानदार है वो, ठीक है, आर्चरी, तीरंदाजी के अंदर यूज करेंगे, है ना। इक्विपमेंट बोल्ट का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इक्विपमेंट बोल्ट का प्रयोग किस खेल में करेंगे? स्विमिंग के अलावा पर्वतारोहण, इनको बोलते हैं माउंटेनियरिंग, इसके अलावा साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट्स।
तो देखिएगा इक्विपमेंट जो बोल्ट है वो किसके अंदर काम में लेंगे, माउंटेनरिंग में, यानी पर्वतारोहण में। ये भी खेल है पता आपको, ठीक है। थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल में संबंधित है, थर्ड मैन पे खड़ा होता है बुमराह फिर भी कैच छोड़ देता है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है भाई साहब, ठीक है। अगला सवाल आता है, जी सवाल आ जा भाई, अगला आ जा। निम्नलिखित में से किस खेल में आउट ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग होता है, ऑफ ब्रेक गुगली है ना, ऑफ ब्रेक शब्द किसके लिए काम में आएगा, क्रिकेट में आएगा भाई साहब, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, है ना। फाइन लेग किसके अंदर है, क्रिकेट के अंदर है, ऑफ साइड ऑन साइड है ना, स्ट्रेट, ये सब किस में काम में लेते हैं, क्रिकेट के अंदर काम में लेते हैं। चलिए, ड्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, मैंने बताया था ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग, जल्दी से बताओ, बास्केटबॉल बेसबॉल बैडमिंटन टेनिस, तो याद रख लेना खेल का नाम है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल के अंदर एक शब्द काम में लेता है ड्रिबलिंग, याद रख लेना। निम्नलिखित में से किस खेल में बिशप का प्रयोग करते हैं, स्नूकर बेसबॉल बिलियर्ड शतरंज, जल्दी से बताइएगा बिशप इज रिलेटेड टू विच गेम, तो जल्दी से बताइएगा बिशप इज रिलेटेड टू चेस, याद रख लेना। किस खेल में एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल बेसबॉल हॉकी, जल्दी से बताइएगा, तो एंटीना जो है वो किस में काम में लिया जाता है, वॉलीबॉल के अंदर काम में लिया जाता है। कुछ कठोर दिल अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध। ये सभी बैच हमारे उपलब्ध रहते हैं, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच।